इसमें लेते हैं हम एक कप। ये केटल के अंदर हमारा एक फिल्टर है जिसके अंदर हम अपनी। हेलो गाइस, माय नेम इज कविता गोयल एंड यू आर वाचिंग कविता गोयल्स वर्क यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे बनती है ग्रीन टी। वैसे तो सभी को पता है, डिप डिप आती है, सभी उसी से बना लेते हैं ग्रीन टी, बट मैं बना रही हूँ किसी अलग मेथड से। किस मेथड से, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लेते हैं हम एक कप पानी और इसको थोड़ी देर के लिए हम उबलने देते हैं। तो ग्रीन टी बनाने के लिए हमने सबसे पहले अपना पानी हमने उबाल लिया है, कि पानी यहाँ पे उबल गया है। अब हम अपनी छोटी सी कैटल लेके आते हैं। ये हमारी छोटी सी कैटल है, इसके अंदर हम अपनी ग्रीन टी बनाएंगे। कैटल के अंदर हमारा एक फिल्टर है जिसके अंदर हम अपनी ग्रीन टी डालेंगे। अभी हमारा पानी उबल गया, इसको हम बंद कर देते हैं। और ये हमारी ग्रीन टी है, इसकी हम वन टेबल स्पून और ये हाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद डालते हैं इसके अंदर हम थोड़ी सी मिल्क, थोड़ा फ्लेवर देने के लिए। और हमने साथ में ये दार्जिलिंग टी हमारी है, दार्जिलिंग टी, हम इसको भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा फ्लेवर एनहेंस करने के लिए। तो हमने ये भी डाल दिया इसके अंदर जिससे थोड़ा फ्लेवर एनहेंस हो जाए। और ये एक चम्मच हमने हनी डाल दी है, हाँ एक चम्मच हनी डालने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस मिक्स कर लिया है। तो अब हम अपने ये पानी, गरम पानी इसके अंदर पोर कर लेते हैं। इसको ढक के रख देते हैं। ये तो हमारा बना है एक कप, इसकी क्वांटिटी दो कप की है, इसके अंदर दो कप भी आ सकती है। तो इसके अंदर अब हमें स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, कुछ मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अपना मिक्स हो जाएगा। हमारी केटल में रखी ग्रीन टी तैयार है, अब हम इसको पोर कर लेते हैं। देखिए कोई भी लीव नहीं है, कोई भी हजल फजल नहीं है, कितनी बढ़िया तरीके से इसके अंदर प्रिपेयर हो गई है। और इसके अंदर हमने पोर कर दिया है और ये हमारी ग्रीन टी तैयार हो गई है। तो ये हमारी ग्रीन टी तैयार हो गई है, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है। इसके अंदर मिंट भी है, लेमन भी है, हनी भी है और हमारी दार्जिलिंग टी भी है, ग्रीन टी एंड साथ में ग्रीन टी लीव्स भी हैं। तो सर शर्मा सर, दिस इज डेडिकेटेड टू यू सर। और क्योंकि मुझे पता है आप ग्रीन टी लवर हैं, तो ये डेडिकेटेड टू यू और ऑल जितने भी ग्रीन टी लवर्स हैं ये उनके लिए। तो प्लीज़ बनाइए इस तरीके से और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स। तो मैं अपना ये ब्लॉग एंड यहीं करती हूँ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कविता गोयल्स वर्ल्ड को। तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।